आज मुख्यतः हम लोग तीन विषयों पे आप लोगों को आज तकलीफ दी है। सबसे पहले तो हम लोग जब यहाँ पर बैठते हैं तो अक्सर आप सबके सब लोग ये शिकायत करते हैं कि नेट कनेक्टिविटी नहीं, और आजकल तो अगर फोन के ऊपर हम बात करते जाएं तो हर 10 में से कम 8-9 कॉल्स ऐसे होते हैं कि जब हमारी बात खत्म होने से पहले ही वो बंद हो जाए, कट जाए। ट्राई ने अभी एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है और दुर्भाग्यवश ये कंसल्टेशन पेपर भी एक तरीके से एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और लंबा समय बचने का देने में। हैरानी की बात यह है कि अभी 21 जुलाई को ट्राई की रिपोर्ट आई और ट्राई परमिट करता है केवल 2% ड्रॉप रेट, और 2% ड्रॉप रेट के मुकाबले ट्राई की खुद की अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने सब मेट्रो सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा हाई कॉल ड्रॉप रेट बताए हैं, और दिल्ली के अंदर 17% कॉल ड्रॉप रेट ट्राई ने खुद अपने 21 जुलाई के कंसल्टेशन पेपर, अपने 21 जुलाई की रिपोर्ट में ट्राई ने खुद ने इस चीज को कहा है। पिछले एक साल के अंदर हमारे 2G के जो कनेक्शंस हैं उसके कॉल ड्रॉप रेट्स डबल हो गए। 3G के जो कॉल ड्रॉप रेट्स हैं वो 65% वो और बढ़ गए, और अभी तक के कोई भी कार्रवाई ट्राई की तरफ से और सरकार की तरफ से नहीं हुई। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस वक्त ये टावर लगाए जा रहे हैं तो टावर लगाने के टाइम के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को हेल्थ कंसर्न्स टावर के साथ में पूरे देश भर के अंदर है, और दुनिया भर में हेल्थ कंसर्न्स की वजह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव एंटीना सिस्टम है, हेटरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर जो है ये टेलीकॉम कंपनीज शिफ्ट हो रही है, अपना पैसा उसमें खर्च करती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं होती। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ कार्रवाई होने के बजाय रविशंकर प्रसाद जो है वो ये कहते हैं कि ये टावर से कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं है। कल उन्होंने कहा, हम लोगों ने देखा, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ये मिसकंसेप्शन है कि टावर के साथ में कोई कैंसर या हेल्थ हैजर्ड। ट्राई चेयरमैन से जब हम लोग मिलने के लिए गए परसों, तो हमारे को भी जब डेलीगेशन हम लोग गए मिलने के लिए, हमने अपनी बात उनको रखी तो उन्होंने कहा कि ये मिसकंसेप्शन है कि ये टावर से कोई हेल्थ हैजर्ड। हम लोग कोई एक्सपर्ट्स इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो स्टडीज दुनिया भर में हुई है और दुनिया भर के दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इन टावर से दूसरे और सिस्टम के ऊपर जब जाया जा रहा है तो हम लोग क्यों नहीं उसके अंदर दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। और हेल्थ कंसर्न जब दूसरे देशों में हो सकता है, दूसरे डेवलप्ड सिटीज और देशों में हो सकता है, तो हमारे यहाँ पर क्यों इन प्राइवेट कंपनीज को मदद करने के लिए इसके ऊपर आक्रमण करी जा रही है। और रविशंकर प्रसाद जी से हम कहना चाहते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि ये टावर से कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है तो ये जितने भी हमारे ऑफिस हैं, शास्त्री भवन और सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं बड़े बड़े, यहाँ से क्यों टावर सारे हटा दिए गए? अगर हेल्थ कंसर्न नहीं है तो हम रविशंकर प्रसाद जी को और ट्राई के चेयरमैन से कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले एक एक टावर अपने घर पे लगाएं और एक एक टावर जो है आप अपने ऑफिस पे लगाएं। आप अपने तो घर पे टावर नहीं लगाने दे रहे, आप अपने ऑफिस के ऊपर जहां पे ये सारे सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सब बैठते हैं वहां पे टावर नहीं लगा रहे, और दूसरों को कह रहे हैं कि इसमें कोई हेल्थ कंसर्न नहीं। भाई पहले आप अपने यहाँ पे लगा दीजिए रविशंकर प्रसाद जी, फिर दूसरों को बोलिए कि हेल्थ कंसर्न नहीं। अपने यहाँ पे किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी वजह से नहीं लगाएंगे, दूसरों को लगाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर दिल्ली में अगर कॉल कनेक्टिविटी की है तो वो रूटेन एरिया के अंदर है क्योंकि यहाँ पर टावर नहीं है। तो हम लोगों ने मुख्यतः 6 मांगे इसके अंदर रखी है। एक तो जो कॉल ड्रॉप का डेफिनेशन है उसके अंदर भी कॉल ड्रॉप के डेफिनेशन को भी ये होना चाहिए कि कोई भी कॉल बगैर मर्जी के दो कॉलर्स के आपस के अंदर अगर बीच में टर्मिनेट हो जाए तो उसको कॉल ड्रॉप की श्रेणी में आना पड़ेगा। अभी इसके अंदर कुछ सेकंड्स उन्होंने रखा है कि जितने सेकंड्स के बाद में अगर वो टर्मिनेट होगी तो उसको कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा। हम लोगों का ये कहना है कि कोई भी कॉल जब चाहे वो 1 मिनट बाद हो, चाहे 1.5 मिनट बाद हो, चाहे 2.5 मिनट बाद हो, चाहे 5 सेकंड के बाद में हो, कोई भी कॉल जब बात दो जने
कर रहे हैं और आपस में बात करते करते बीच में कट जाए तो उसको कौन ड्रॉप की डेफिनेशन के अंदर उसको आना चाहिए। दूसरा, कंसल्टेशन पेपर जो है वो एक गेट आइडिया है और कंसल्टेशन पेपर की जो प्रक्रिया शुरू करी गई है वो केवल एक प्राइवेट कंपनी को और समय देने के लिए किया गया। तीसरा, हम लोग मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि सेक्शन 25 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट को पावर करती है कि कोई भी डायरेक्शन वो ट्राई को दे सकते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और इससे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो सकता कि आज यहाँ पर हमारे देश के अंदर शहरों में खासतौर के ऊपर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वहां पर इस प्रकार से हाई कॉल ड्रॉप रेट्स हो रही है। तो ट्राई को एक गवर्नमेंट को हमारी ये मांग है कि डायरेक्शन देनी चाहिए कि जितना परसेंट कॉल ड्रॉप है उतने ही परसेंट का इमीडिएटली बिल्स में से रिबेट हमारे कस्टमर्स को मिलना चाहिए। जैसे कि दिल्ली के अंदर अगर 17% कॉल ड्रॉप रेट है तो अक्रॉस द बोर्ड जो जो जिस टेलीकॉम ऑपरेटर के जितने परसेंट कॉल ड्रॉप है उन सब वो सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उसको 17% उसका उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, 17% उसके अंदर उसको जो टैरिफ है उसमें से उसको कमी करनी चाहिए। और ये सीधे सीधे ये डायरेक्शन हमारे गवर्नमेंट जो है ये ट्राई को दे सकती है। चौथा, हमारा ये कहना है कि इसका एनुअल रिविजन की जरूरत नहीं है, इसकी वीकली रिविजन होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट रिविजन का तरीका होना चाहिए। 2% जब अप्रूव नॉर्म है तो 2% अप्रूव नॉर्म से जब ज्यादा है तो इसको एनुअल रिविजन नहीं, इसको इसका वीकली रिविजन होना चाहिए। और बहुत सारे और विकसित देशों में ये वीकली रिविजन क्या डेली रिविजन भी करा जाता है और ये टेक्निकली पॉसिबल है। हम लोगों के यहाँ पे एनुअल रिविजन होता है और इसको जो है ये एनुअल रिव्यू होता है हमारे यहाँ पर, इसको वीकली रिव्यू होना चाहिए। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज के अंदर ये डेली रिव्यू होता है और हमारे यहाँ पर ये एनुअल रिव्यू है ये गलत है और इसको वीकली रिव्यू होना चाहिए। पांचवा ये है कि हम लोगों का जो इन कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज है इन लोगों को कहा जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और तेजी से करें और इन्वेस्टमेंट तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए करें जिसमें डीएस जो जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम का एक तरीका है, हेटरोजीनियस नेटवर्क का एक और सिस्टम है। तो जब वर्ल्ड ओवर जब ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज अपना कर रही है तो हम लोग अपने यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे। छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर एक नेशनल टावर पॉलिसी होनी चाहिए और ये नेशनल टावर पॉलिसी हमारे उसकी अभाव के अंदर नेशनल टावर पॉलिसी के अभाव में हम लोग देख रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली के अंदर और मुंबई में भी पहले टावर लगने देते हैं उसके बाद में जब टावर हटाते हैं तो उसके बाद में पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे यहाँ पर कोई नेशनल टावर पॉलिसी नहीं है तो ये नेशनल टावर पॉलिसी होनी चाहिए जिसको ध्यान में रखकर के आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर सके। तो ये 6 मांगे हम लोगों की हैं और इन मांगों को लेकर के दिल्ली कांग्रेस ट्यूजडे को हम लोग जंतर मंतर के ऊपर एक दिन का सिट इन धरना हम लोग कर रहे हैं और ट्राई के चेयरमैन से हम लोग जाकर के मिलकर के हम लोगों ने इन मांगों को रखा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ट्राई तो अपना काम करती रहेगी लेकिन सरकार सेक्शन 25 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है के तहत इनको नोटिस दे सकती है जो कि इनके ऊपर बाइंडिंग होगी और वो नोटिस इनको देना चाहिए और इनको गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना चाहिए और वो डायरेक्शन ये होने चाहिए कि जितना परसेंट इनका कॉल ड्रॉप होता है उतने ही परसेंट का रिबेट कस्टमर्स को मिलना चाहिए। दूसरा, एक बहुत ही आश्चर्यजनक लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है एक सर्कुलर हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। यह सर्कुलर 10 तारीख का सर्कुलर यानी कि आज का एक सर्कुलर है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो आप लोगों को अभी बांटा जाएगा और इस सर्कुलर का सिर्फ 3 लाइंस हैं इसमें जो इसलिए मैं पढ़कर के सुनाना चाहता हूं। दिस सर्कुलर हैज बीन इशूड बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड दिस इज एन ऑर्डर फॉर ऑल द स्कूल्स एंड इट सेज ऑल स्कूल्स विल रिमेन क्लोज टुमारो दैट इज 11 सितंबर 2015 Due to the visit of Honorable Prime Minister of India, the examination scheduled by the schools to be held on 11 September 2015 will be rescheduled on some other date by the head of the concerned school at his hub level. यानी कि कल प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ जा रहे हैं और इसकी वजह से सारे के सारे चंडीगढ़ स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और बच्चों के जिनके एग्जाम्स हो रहे थे उनके एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए
और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले 22 जनवरी को भी 2015 में अभी इसी साल प्रधानमंत्री जी पानीपत में गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए गए थे और उस दिन भी इसी प्रकार से सारे स्कूल्स को बंद करने के ऑर्डर दे दिए गए। तो प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन करने के लिए जाते हैं, चंडीगढ़ के अंदर अपने राजनीतिक कैंपेन करने के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों की छुट्टियों और बच्चों के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, यह हम लोगों की समझ से बाहर। और ये सरकार का एक तरीके से असंवेदनशीलता है छात्रों के प्रति, पढ़ाई के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकार जो कि चंडीगढ़ प्रशासन सीधे के सीधे केंद्र शासन के अधीन है, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई प्रधानमंत्री की विजिट के से ज्यादा जरूरी है और बच्चों की पढ़ाई को किसी भी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के विजिट करने के ऊपर। और प्रधानमंत्री का विजिट और बच्चों के स्कूल्स को बंद करने का दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, और हम लोग ये मांग करते हैं कि यह स्कूल्स कल खुले रहने चाहिए, बच्चों के एग्जाम होने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल्स का चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री के विजिट। सर किसका सर्कुलर है? ये सर्कुलर है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो चंडीगढ़ चूंकि यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सीधे के सीधे केंद्र शासित होने की वजह से यह सीधे के सीधे गृह मंत्रालय के अधीन, और ये डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है फॉर एजुकेशन सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा साइन किया गया। अभी हम लोग आपको अभी हम देंगे। तो प्रधानमंत्री जी की विजिट और बच्चों को के स्कूल्स को बंद होना यह आपस के अंदर संबंध नहीं है, और यह बहुत गलत बात है कि बच्चों के पढ़ाई के प्रति और स्कूल्स के प्रति असंवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तीसरा विषय आज अखबारों में आपने सबने देखा होगा कि सरकार ने बड़ी अपनी पीठ थपथपाई है कि 6% डीए को बढ़ा दिया गया है, 113 का 119% डीए हो गया। हम लोग ये मांग करते हैं कि यह 100% जैसे ही क्रॉस करता था डीए, इसको बेसिक में मर्ज हो जाना चाहिए, और दुर्भाग्यवश अभी तक ये बेसिक में मर्ज नहीं हुआ है। इधर 4 महीने 7th पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए उसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ में एक अन्याय और एक ये धोखा। हम लोगों की सरकार के समय हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके पे कमीशन के से पहले ही बेसिक के अंदर कैसे डीए को मर्ज करना है इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने कमेटी को कहा था देने के लिए। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है और हम सरकार से चाहेंगे कि उसको ध्यान में रखते हुए डीए को बेसिक में एकदम से मर्ज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि डीए जैसे ही 100% से ज्यादा होता है बेसिक का तो वो बेसिक के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। और सरकार की एक सोच है, शायद कोशिश है कि सरकारी कर्मचारियों को पूरा फायदा ना मिले, इसके लिए 7वें वेतन आयोग से पहले वो बेसिक को डीए में मर्ज नहीं करना चाहते। मैं आपको एक छोटा सा इसमें बताना चाहता हूं, वेतन आयोग जो 7वां, 6वां और 5वां वेतन आयोग था, इसने अक्रॉस द बोर्ड 40% हाइक बेसिक में मर्ज करने, बेसिक में हाइक बढ़ाने के लिए करा। अब अगर मान लीजिए 7वां वेतन आयोग भी अगर 40% हाइक अगर करता है, और आज अगर 100 रुपया बेसिक है और 113 रुपया 119 रुपया डीए है, अगर 40% अगर हाइक की बात करता है और अगर डीए को बेसिक में मर्ज पहले नहीं किया जाता तो बढ़ोतरी केवल 40 रुपये होगी। अगर बेसिक को डीए या डीए को बेसिक में अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो बेसिक बन जाएगा 219 रुपये, और अगर 219 रुपये अगर जब होगा तो उसके ऊपर डीए बनेगा लगभग 84 रुपये, ग्रोथ बनेगी उसके ऊपर जो है 40% अगर होगा तो वो बनेगा लगभग 84 रुपये। तो सरकारी कर्मचारियों को अगर डीए को बेसिक में मर्ज नहीं किया गया पे कमीशन आने से पहले, और इस तरीके से अब 119% 113% से बढ़ गया है, ये सरकारी कर्मचारियों के साथ में धोखा है। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 100% से ज्यादा डीए बढ़ जाए और वो बेसिक के अंदर मर्ज ना हो, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% से ऊपर डीए बढ़ा है, और 100% से ऊपर बढ़ने के बाद सरकार डीए और पढ़ाई जा रही है लेकिन उसको बेसिक में मर्ज नहीं कर रही है। और हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि इमीडिएटली इसको डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए। लाखों की तादाद में परिवार है और करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो इससे सीधे सीधे पेंशन भोगी लोग या हमारे सरकारी कर्मचारी से सीधे सीधे प्रभावित होंगे।